हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। यह वीडियो जनरल अवेयरनेस पे बनाई गई है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें उस बैंक का नाम बताएं जिसे गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की थी। Tell us the name of the bank that start voice banking service on Google Assistant and Alexa. Options है ICICI Bank, SBI, SIDBI और Yes. इसका जो मेन उद्देश्य था वो था ग्राहकों को 24 घंटे सातों दिन फैसिलिटी प्रोवाइड हो, सेविंग अकाउंट बैलेंस क्रेडिट कार्ड डिटेल और ट्रांजैक्शन डिटेल जानने के लिए फायदा हो। आईसीआईसीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैट बॉक्स आईपीएल को अमेजन के अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एकत्रित किया जाए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई। ICICI बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के अलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। सेविंग अकाउंट बैलेंस क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर जानने के लिए फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। ICICI बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैट बॉक्स आईपीएल को अमेजन के अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एकत्रित किया है ताकि अपने ग्राहकों को एक साधारण वॉइस कमांड के साथ रिटेल बैंकिंग का लाभ उठाने को में मदद मिल सके। बैंक खातों को सुरक्षित दो कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करके सहायक से जोड़ा जा सकता है और यह 24x7 उपलब्ध होगा। यह फैसिलिटी 24x7 प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने HCL के साथ मिलकर COVID-19 महामारी से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधक विश्लेषक केंद्र की स्थापना की है। Which of the following state government together with HCL has established a disaster management analysis center to deal with the COVID-19 epidemic? State का नाम है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका मेन उद्देश्य है कि डाटा को एकत्रित करके उसका जवाब देना, अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से खोलने के लिए तरीके नियंत्रण लेने के लिए किया जाएगा। चेन्नई के चंपक में स्थित है। तो कौन सा स्टेट है बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने HCL के साथ मिलकर एक COVID-19 महामारी से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधक विश्लेषक केंद्र की स्थापना की। विश्लेषकी केंद्र को चेम्पक के चेन्नई में स्थित आपदा प्रबंधक केंद्र तमिलनाडु में रखा जाएगा। एकत्रित किए गए डेटा को उपयोग स्थिति का जवाब देने में और अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से खोलने के तरीके पर नियंत्रण लेने के लिए किया जाएगा। HCL प्रभावी रिपोर्टिंग तंत्र कार्यबल सहायता और तकनीकी उन्नयन का उपयोग करके आपदा प्रबंधक हेल्पलाइन के विस्तार में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसे 21 अक्टूबर 2020 तक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। Who has been declared by the Government of India as a public utility service till 21 October 2020? कौन सी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दी है जो 21 अक्टूबर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी। बताइए इसका। इसके ऑप्शन है रेलवे, बैंकिंग, चिकित्सा, तेल आयात। जो 6 महीने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर होगा बैंकिंग। बैंकिंग भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योगों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में
21 अक्टूबर तक घोषित किया है, जो 6 महीने के लिए प्रावधान के तहत बैंकिंग क्षेत्र को लाना यह सुनिश्चित करेगा कि कानून लागू होने के बाद बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा कोई हड़ताल नहीं होगी। श्रम मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अधिसूचना जारी की है। यह सूचना कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सूचित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? When is the World Immunity Week celebrated? Options है मई के दूसरे सप्ताह, second week of May, मार्च के अंतिम सप्ताह, last week of March, अप्रैल के अंतिम सप्ताह, last week of April, मई के प्रथम सप्ताह, first week of May। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसका उद्देश्य बीमारियों के खिलाफ सभी लोगों के जीवन बचाने में मदद करना। टीकाकरण द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अप्रैल के अंतिम सप्ताह, अप्रैल के अंतिम सप्ताह विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 का विषय वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है और हर साल प्रत्येक अंतिम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। सप्ताह टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, जो बीमारियों के खिलाफ सभी आयु समूह के जीव में जीवन बचाने में मदद करता है। टीकाकरण द्वारा लाखों लोगों की जान बचाई जाती है और इसे एक स्वस्थ रखने की सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में टीकाकरण में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए एक जीवन स्वस्थ जीवन को सुधारना और बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई? विच स्टेट लॉन्च जीवन शक्ति स्कीम? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। कौन से राज्य ने जीवन शक्ति स्कीम लॉन्च की? इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए मास्क के 11 रुपए दिए जाएं। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपए दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, वह कौन सा डिपार्टमेंट है? The e-office application has been launched to stop the spread of coronavirus by which of the following? कौन सा डिपार्टमेंट है? थल सेना, आर्मी, वायु सेना, एयरफोर्स, पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। इसके लिए थोड़ी हिंट है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने अपने प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के लिए फाइलों और दस्तावेजों को ट्रांसफर करने के लिए ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया? आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा ई कार्यालय एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। CISF राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा बल है और हवाई अड्डों और महानगरों जैसे राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है। इसके अलावा 24 घंटों डाटा रिकवरी साइट स्थापित की गई है, 24 घंटों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है मलेरिया दिवस? ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल, 29 अप्रैल, 27 अप्रैल और 22 अप्रैल।
2020 में विश्व थीम थी, विषय था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। इसको स्टार्ट किया था WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा में निर्णय लेके 2007 में घोषित किया गया था। बताइए कौन से डेट को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल। इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी है। विश्व मलेरिया दिवस को हर साल 25 अप्रैल को चिन्हित किया जाता है ताकि मलेरिया के नियंत्रण रोकथाम के लिए महत्व और अनुसंधान में निवेश किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णय लेने वाले संगठन द्वारा 2007 में विश्व मलेरिया दिवस घोषित किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस से पहले अफ्रीका मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया था और 2001 में इसे जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट रिसेंटली? झारखंड मार्ट, झारखंड बाजार, COVID-19 सेवा सुरक्षा। झारखंड मार्ट, झारखंड मार्केट, COVID-19 सर्विस और सिक्योरिटी। इसका उद्देश्य था कि लोगों तक दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने में उनकी मदद की जाए और सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करें। तो इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है झारखंड बाजार। झारखंड बाजार झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद के लिए झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च किया गया। एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करना, उन्हें अपने घरों के आराम से अपनी वस्तुओं को पूरे करने में सक्षम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन और आइडिया ने किस कंपनी के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली विद विच कंपनी वोडाफोन एंड आइडिया हैव स्टार्टेड रिचार्ज पार्टनर प्रोग्राम? फेसबुक, गूगल, फोन पे, पेटीएम। इसका हिंट है इससे उसको कुछ राशि कमीशन के तौर पर मिल सके, अर्जित हो सके। तो बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है पेटीएम। पेटीएम इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पेटीएम ग्राहक पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज बेच सकेगा। इससे उसे कमीशन के रूप में कुछ राशि अर्जित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नव नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम बताइए जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ऑप्शन है सर्वेश्वर गुप्ता, शिवानी राठौर, पुरुषोत्तम भेस, संजय कोठारी। वो एक ऐसे आयुक्त हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी हैं और राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर उन्हें नियुक्त किया गया है और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा संजय कोठारी। संजय कोठारी, राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है जो देश के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के प्रमुख है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री को समिति के अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया जाता है। CVC का कार्यालय 4 साल के लिए है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।